हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सबका एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में सीखेगा आज हम कच्ची इंग्लिश। सो कच्ची इंग्लिश क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड और इनमें जो ये अंग्रेजी है उनकी मातृभाषा है और हम हमारी हिंदी मातृभाषा है तो हम इसे कच्ची इंग्लिश बोलते हैं। हम हिंदी को कई तरीके से बोल सकते हैं। वैसे इंग्लैंड और अमेरिका में भी जो उनकी जो इंग्लिश वो मदर टंग है तो वो भी इसे कई तरीके से बोलते हैं। तो इंग्लिश में इन शब्दों को कहा जाता है रूट वर्ड्स, इन्हें कहा जाता है रूट वर्ड्स और हमारी हिंदी में इन्हें कहते हैं कच्ची इंग्लिश। तो आज कुछ हम ऐसे ही कच्ची इंग्लिश के शब्द देखेंगे। जैसे वो खेलने में लगा हुआ है, वो खेलने में लगा है। मैं हूँ ना, लो हम बैठ गए, लो मैंने लिख लिया, लो हम आ गए। तो इस तरह के वाक्य आज हम बनाना सीखेंगे और इन्हें इंग्लिश में रूट वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में कच्ची इंग्लिश कहते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा स्पोकन मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटी के निशान को जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो हमारा पहला रूट वर्ड है लो। हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो है लो, वो है लो। लो मतलब जैसा लो, जिसे हम हिंदी में कैसे कहते हैं, लो मैं आ गया, लो हमने खा लिया, लो मैं चला गया, लो मैंने समझ लिया, लो तुम हमें बैठाना चाहते हो, लो मैं बैठ गया। इस तरीके से ये वो वाला लो है, ये वो वाला रो है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे तो इस लो के लिए, इस लो के लिए हिंदी में लिखते हैं हियर। इसके लिए लिखते हम हियर। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लो मैं आ गया, लो मैं आ गया, सो हियर आई कैम, ये बन गया हियर आई कैम। ये जैसे लो मैं आ गया, हियर आई कैम। सो इसी तरह से हम कहीं बना सकते हैं। जैसे लो मैंने खा लिया तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हियर आई इटन। लो मैंने मोबाइल चला लिया, लो मैंने सर को समझा लिया, लो मैंने छात्रों से बात कर ली, लो मैं यहाँ बैठ गया, लो मैं ओंकार जी से आ गया। तो इस तरीके से ये एक रूट वर्ड था लो। इसका जो हिंदी में मतलब हिंदी के लिए इसका जो आता है वो है हियर। सो इसका एग्जांपल लो मैं आ गया, हियर आई कैम। सो इसी तरीके से हम अगला रूट वर्ड देखते हैं और जो हमारा अगला रूट वर्ड है वो है हेना। हेना या हुना, ये सद्भावना व्यक्त करते। जैसे किसी को सांत्वना देते, मैं हूँ ना, पापा है ना। अगर आप किसी से झगड़ा कराए तो बोलते कि अरे दोस्त है ना। इस तरीके से तो इसके लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में देयर। इसके लिए लिखते हैं देयर। इसके लिए हम लिखते हैं देयर। जैसे मैं हूँ ना, आई एम देयर। फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स आर देयर। मम्मी है ना, मदर इज़ देयर। मोबाइल है ना, मोबाइल इज़ देयर। तो चलिए इस तरीके से हम कहीं एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन है ना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन इज़ देयर। जैसे श्याम इज़ देयर। पापा है ना, फादर इज़ देयर। तुम डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त है ना। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा योर फ्रेंड्स आर देयर। और अब हमारा अगला जो इंग्लिश रूट वर्ड है वो हम देखते हैं। और जो हमारा अगला रूट वर्ड है वो है ही है। ये वो वाला ही है नहीं जो हंसी में हंसते, ही है वो हंसी वाला ही है नहीं है, ये अलग वाला ही है। जैसे किसी का नाम राधा रहता है तो उसको राधिका भी कहते हैं। तो राधिका ही राधा है। तो जैसे किसी का नाम राज रहता है तो उसको राजू भी कह लेते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि राजू ही राज है। जैसे मोहन रहता है तो मोहन को कोई शॉर्ट में करके मोनू भी पुकार लेता है, तो उसको कहते हैं मोहन ही मोनू है।
जैसे किसी का नाम मोनिका रहता है तो उसे मोनू मोनू भी कहते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है मोनू ही मोनिका है, मोनू ही मोनिका है। तो इस तरीके से ये वो वाला ही है, ये हंसी वाला ही है नहीं है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मोनिका ही मोनू है, मोनिका ही मोनू है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। सो इसके लिए ही है के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं इट्सेल्फ, इसके लिए लिखते हैं इट्सेल्फ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोनिका इज मोनू, और यहाँ पर लिखना आपको केवल इट्सेल्फ, यहाँ पर आपको केवल लिखना इट्सेल्फ, ये समझो हो गया। जैसे रामू ही रमेश है, रामू ही रमेश है, तो रामू इज रमेश इट्सेल्फ, रामू इज रमेश इट्सेल्फ। आजकल तो मोबाइल ही कंप्यूटर है, आजकल तो मोबाइल ही कंप्यूटर है, सो नाउ डेज मोबाइल इज कंप्यूटर इट्सेल्फ। इसी तरह आजकल तो सड़कें ही बस स्टेशन है, आजकल तो सड़कें ही बस स्टेशन है, सो नाउ डेज रोड्स आर बस स्टेशन इट्सेल्फ। सो इस तरीके से ये ही है का हमने यूज़ किया, ये एक रूट वर्ड था। अब अगले रूट वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, चलो अगला रूट वर्ड, और जो हमारा अगला रूट वर्ड है वो है तो देखो, अगला जो रूट वर्ड है वो है तो देखो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं अरे भाई जाकर तो देख, अरे भाई बोल कर तो देख, अरे कह कर तो देख, मारेगी थोड़ी, अरे भाई बोल के तो देख, अरे भाई जाकर तो देख। वो अगर जैसे हम कहीं नहाने जाते हैं नदी में तो वो कूदता नहीं, बोले कि यार घेरा पानी होगा, तो हम उसे कहते अरे भाई कूद के तो देख, अरे भाई कूद के तो देख। और अगर किसी को कोई कपड़ा पहना पसंद आ जाता है तो हम उसे कहते अरे भाई खरीद के तो देख ले, महंगा है तो क्या कर, खरीद के तो देख ले। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी कहते हैं इसे, इसी तरीके से सेंटेंस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे भाई, जैसे इसे कहते हैं हम कि भाई मोबाइल खरीद के तो देख। अरे भाई वो कोई लड़खड़ाता है तो हम कहते भाई सीधा चल के तो देख, अरे भाई सीधा चल के तो देख, अरे भाई तेज दौड़ के तो देख, अरे भाई अंग्रेजी सीख के तो देख। सो इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे पहले तो हम देख रहे थे तो देख के लिए अंग्रेजी क्या रहेगी, तो इसके लिए रहेगी ट्राई टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्राई टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे अरे भाई चल के तो देख, अरे भाई चल के तो देख, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ट्राई टू वॉक, चल कर तो देख, चल कर के तो देख, अरे भाई चल कर तो देख, ट्राई टू वॉक, अरे भाई समझ के तो देख, अरे भाई समझ के तो देख, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड, और भाई उसे बात करते देख, मारेगी थोड़ी, ट्राई टू टॉक हिम, और भाई उसे मिल के तो देख, नहीं करना मना करना तो मना कर देगी, तो उसे भाई ट्राई टू मीट हर। सो हम अगला रूट वर्ड देखते हैं चलिए। और दोस्तों जो हमारा अगला रूट वर्ड है वो है हे ना या हो ना। जैसे कोई लॉकडाउन में किसी की दाढ़ी बढ़ गई हो तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, पर आप उसकी कल्पना कर सकते हो, वो मतलब अंदाज लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि तुम राम ही होना, तुम रमेश ही होना, तुम राहुल ही होना, ऐसे ये वो वाला होना है। जैसे अगर कोई चॉकलेट है, वो चॉकलेट ऐसे टॉय क्या कार में बनी हुई है, ऐसे टॉय क्या कार में बनी हुई है, तो उसे कहेंगे अरे भाई ये चॉकलेट ही है ना, अरे भाई ये चॉकलेट ही है ना, कोई टॉय तो नहीं है। तो ऐसा कोई पेन रहती है, पेन में अगर कैमरा लगा हुआ है, वो काम लिखने विखने का कुछ नहीं करती, खाली कैमरे शूट करती है, तो हम उसको कहेंगे अरे भाई ये कैमरा ही है ना, अरे भाई ये कैमरा ही है ना। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। सो इसके लिए हम लगाएंगे मस्ट बी, इसके लिए हम जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो है मस्ट बी। जैसे तुम राम ही हो ना, एक कल्पना करना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू मस्ट बी
राम, जैसे हम इससे कई एग्जांपल्स बना सकते, जैसे तुम सोहन ही हो ना, तुम सोहन ही हो ना, यू मस्ट बी सोहन, यू मस्ट बी सोहन, ये ब्लैक बॉडी है ना, ये ब्लैक बॉडी है ना, दिस मस्ट बी ब्लैक बोर्ड, दिस मस्ट बी ब्लैक बोर्ड, मैं रोहित ही हूँ ना, मैं रोहित ही हूँ ना, आई मस्ट बी रोहित, आई मस्ट बी रोहित, इस तरीके से हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला रूट वर्ड देखते हैं, और हमारा अगला रूट वर्ड है लगा हुआ है, लगी हुई है, लगा हुआ है, लगी हुई है, ये हमारा एक रूट वर्ड है। जैसे मोहन खेलने में लगा हुआ है, मोहन खेलने में लगा हुआ है, रोहन मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, मैं इंदौर जाने में लगा हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हुआ था, मैं इंदौर जाने में लगा हुआ था, मैं मोबाइल चलाने में लगा हुआ था, जिसे हम ऐसे कह सकते, ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मोहन पबजी में लगा हुआ था, मोहन पबजी खेलने में लगा हुआ था। आजकल लड़के बहुत पबजी खेलने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं, लगे हुए के लिए करते हैं हम यूज़ बिजी इन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये बिजी प्लस इन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, मैं पढ़ाने में लगा हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम बिजी इन टीचिंग, आई एम बिजी इन टीचिंग, आई एम बिजी इन टीचिंग। अब इस तरह से कई बना सकते हैं, जैसे बच्चे पबजी खेलने में लगे हुए हैं, बच्चे पबजी खेलने में लगे हुए हैं, तो चिल्ड्रंस आर बिजी इन प्लेइंग पबजी, चिल्ड्रंस आर बिजी इन प्लेइंग पबजी, और मोहन मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, मोहन मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, तो मोहन इज बिजी इन ऑपरेटिंग मोबाइल, मोहन इज बिजी इन ऑपरेटिंग मोबाइल। सो ये हमारे कुछ रूट वर्ड्स थे, इन रूट वर्ड्स को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और इसी तरह के कुछ रूट वर्ड्स और लेके मैं अपने इस वीडियो के पार्ट सेकंड वीडियो में आऊँगा। सो इस वीडियो का पार्ट सेकंड वीडियो भी जल्द ही बनाऊँगा। सो आपको आशा करता हूँ कि जो मैंने डाउट बताए थे वो आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हैं, आप अब भी इन सेंटेंस का उपयोग करिए और लोगों के सामने अपना इंप्रेशन अच्छे से जमाइए इंग्लिश बोल के। तो चलिए वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।